आपने भी ये बात की थी कि वहां पे हम, वहां पे रियल ज्यूज आबाद हैं, रियल ज्यूज, लेकिन देयर इज अ क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन ज़ायनिस्ट एंड अ ज्यू. जो जो वेस्ट में, जो यूरोप में, जो यूएसए में ज्यूज रह रहे हैं, दे डोंट इवन यू नो रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ इजराइल, एंड दे से दैट इट्स नॉट फॉर, इट्स नॉट अलाउड टू बी सेटल्ड इन अ सर्टेन प्लेस फॉर ऑल द ज्यूज. आप कहीं पे सेटल नहीं हो सकते. उनका, उनको हम ज्यूज कहते हैं, दे क्लेम देमसेल्फ टू बी रियल ज्यूज. इनको ज़ायनिस्ट कहते हैं. जरा इनके बीच में आप डिफरेंशिएशन कर देंगे, व्हाट इज अ ज्यू एंड व्हाट इज अ ज़ायनिस्ट? देखिए, एक तो लास्ट सर्वे जो हुआ है ना, एक इंटरेस्टिंग की बुक है, द हॉलोकॉस्ट इंडस्ट्री. उसमें उसने सर्वे में स्टैट्स भी बताए. लेस देन 8% ऐसे ज्यूज हैं. लेस देन 8%. ऑफ कोर्स ही सेड के बढ़ रहे हैं, मगर अभी तक 8% है जिसने पाकिस्तान में अहले तशई है, समझ लें. बस उसी तरह दुनिया में जो ज्यूज हैं, जो कि दे डू नॉट सपोर्ट द स्टेट ऑफ इसराइल, दे जस्ट सपोर्ट द कॉज ऑफ यू नो तोरा. अपने आप को ज्यूस तो कह देते हैं, मगर इसराइल के साथ नहीं है वो. बाकी और जायनिज्म, अपने आप को जायनिस्ट नहीं कहलवाते. लेस देन 8%, 8% से भी कम है. सो वी कैंट रियली यू नो. बट जो जायनिज्म है ना, जायनिस्ट ज्यूज, उनकी सिर्फ 80 लाख की तादाद जो है ना, वो दुनिया में वो इसराइल पहुंच सकी है. बाकी के लोग वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, हम नहीं कर रहे, कि वो उस स्टेट को फाइनेंशियल एड देते हैं पैसे, और वो अपने कुर्बानियां करते हैं. जैसे सहाबा इस्लाम के लिए कुर्बानी करते थे, उनके यहूदी आजकल अपने उस इसराइल के लिए कुर्बानियां देते हैं, अपने इतने पेट काट काट के उधर भेजते हैं. वो बेचक बिलियनियर हों, मगर मोस्ट ऑफ देयर इनकम इन अ वेरी साइजेबल इनकम गोज टू इसराइल, विच इज एक्सलेंट एज फार एज अ ज्यू इज कंसर्न्ड. वो अपना, मैंने कहा ना, कुरान में जो यहूदी है वो कुरान के यहूदी अभी भी वही यहूदी है. कुरान के जो मुसलमान है ना, वो मुसलमान अब मुसलमान नहीं है. दैट्स द ओनली प्रॉब्लम. अब मैं आपको वैसे जायनिज्म की डेफिनेशन दे दूं, कि मतलब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज जायनिज्म. जब हजरत मूसा कोई तूर पे ही थे ना, ये तौरात के अंदर ही लिखा हुआ है, मैं आपको तालमुद कोट कर रहा हूँ इस वक्त. तो मूसा जब नीचे आए ना, तो नीचे इन्होंने एक वही गोल्डन कैफ बनाया था. उस कैफ को मंदिर में रखने की कोशिश की थी, ऑल्टर था, ऑल्टर के पीछे दीवारें भी लगा थी. हजरत मूसा ने आगे सबसे पहले ये तोड़ा कि ये क्या किया है, ये तुमने क्या शुरू कर दिया है. और उसको टैबरनेकल के डिस्ट्रक्शन ऑफ द टैबरनेकल कहते हैं. ये जो क्लासिकल ज्यू है वो उसको कहता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था कि तुमने ये दीवारें नहीं क्रिएट करनी. दिस इज नॉट द इसरा ऑफ द एरिया, दिस इज द इसरा ऑफ द ह्यूमन टिल द क्यामा. आखिरी क्यामत के बच्चे तक की हिदायत तुम्हें दी है. ये तुमने कन्फाइंड ना कर लेना अपने आप को, कोई मुल्क नहीं बनाना तुमने. सो ये उस फिलोसफी के ऊपर है. और मैं डिट्रोनॉमी कोट कर रहा हूँ इस वक्त आपको. और जो बाकी के ज्यूज हैं वो ये कहते हैं कि भाई, ज्यू चूंकि बोर्न नेशनल है इसराइल का, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये स्टेट प्रॉमिस की है जरमाया में, आइजेया में, उनकी हर हर किताब के अंदर जो इसराइल का वादा है ना, बुक ऑफ आइजेया तो भरी पड़ी है इसकी बिना के ऊपर. ये सब के सब इस्तदलाल होते हैं उनके इनके उनके उलमा कराम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि इसराइल की स्टेट में तुम्हें खुद गिफ्ट दूंगा, ये प्रॉमिस लैंड है तुम्हारा. अब रही बात कि वो फिर किस बेस पे है, वो तो एक लंबी तफसील है. बहरहाल उनका उनका बेसिक फलसफा ये है कि ये प्रॉमिस लैंड जो है ना, जैसे ही वो प्रॉमिस लैंड करते हैं, ऑल ऑफ अ सडन इसकी बिना के ऊपर जो उनके लेफ्ट एंड राइट ज्यूज है, वो कंबाइन हो जाते हैं कि हाँ, यस यस वी नीड अ लैंड. बिकॉज जो लेफ्टिस्ट है वो कहते हैं, यार तौरात में लिखा है नहीं लिखा तो छोड़ो, वो हमारे मुसलमानों की तरह है. कुरान में लिखा नहीं लिखा थी खैर है, सेंस क्या कहती है. तो सेंस ये कहती है उनकी कि हाँ, हमें भी एक जगह चाहिए जहां पे हम महफूज रह सकें, क्योंकि हमें हर कौम ही मारती आई है पिछले 3,000 साल से. जूतियां ही पड़ी हमें, हर 200 साल बाद हमारे बच्चे मारने कोई ना कोई आ जाता है. हिटलर से पहले कोई और था, उससे पहले कोई और था, उससे पहले कोई और था. मतलब इजाबेला ने मारा स्पेन में इनको, हिटलर ने मारा जर्मनी में इनको, फिर इनको रोमन ने मारा जब ये उजैर के दौर में, फिर उसके बाद ग्रीक्स ने मारा, फिर मुसलमानों ने मारा. आई मीन यू नेम इट, इनको हर वक्त कोई ना कोई मार पड़ती रहती है. सो दे नो के इनकी प्रोटेक्शन जो है ना, एक खास जगह पे होना जरूरी है. इसलिए इन्होंने पहले इन्होंने बेलफोर अग्रीमेंट के अंदर क्लॉज डलवाई, उसके बाद जब ये बेलफोर अग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ था, तो ज्यूज की माइग्रेशन मूवमेंट की कैंपेन शुरू कर दी थी उन्होंने. उस वक्त 3 लाख ज्यूज पूरे के पूरे दुनिया से ये लेके आ सके थे. 3 लाख ज्यूज के बाद फिर दोबारा से माइग्रेशन हुई, इन्होंने फिर दोबारा से री इन्फोर्स किया, फंडिंग करवाई ज्यूज को, वापस क्यों जा रहे हो, हम आपको जगह दे रहे हैं. मगर उन्होंने कहा, हमारे पास जगह ही कोई नहीं आई, इधर तो मुसलमान और क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियन तो थोड़े से, मुसलमानों का लैंड है, हम तो दे हेट अस. उसके बाद फिर उन्होंने पोलैंड से मूवमेंट शुरू की, थियोडोर हर्ट्सल की मूवमेंट
आग पकड़ गई उस दौरान, फिर वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी उस दौरान, फिर दोबारा से इन्होंने एक 1 मिलियन मार्च किया, 1 मिलियन मार्च वाकई सक्सेसफुल हुआ और फिर 1 मिलियन ज्यूज इधर आ गए। अब मसला यह है कि 1 मिलियन से अब वो 8 मिलियन हो गए, वो 8 मिलियन के लिए पूरा करने के लिए इन्होंने फिर प्रॉपर फाइनेंसिंग की और बाकायदा जिस तरह वो आसिया मसीह को नहीं हॉलैंड में घर मिला हुआ, बिल्कुल इस तरीके से ज्यूज को इसराइल में घर की जो भी रेक्विजिशन की जाती है औकाफ का महकमा जो उनका, वो वहां से फिर बुलाए गए और फिर क्योंकि इन्होंने जगह इनके कब्जे में थी 1967 की वॉर में इन्होंने पूरा फलस्तीन मार लिया था, तो ये ईस्ट बैंक के करीब और अक्रॉस द सदर्न बॉर्डर्स ऑफ तेल अवीव इन्होंने मुसलमानों की जगह पकड़ ली जबरदस्ती और वहां पर इन्होंने कैंटोनमेंट्स क्रिएट कर दी और वो पहले कंटेनर हाउसेज होते थे, बाद में फिर वो पक्के घर बन गए। आप तो बकायदा मतलब क्या डीएचए और बैरियर टाउन देखेंगे आप देखें जरा उनकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से की है उन्होंने, मतलब 20 स्टोरी अपार्टमेंट्स ऐसे बने हुए हैं कि हाँ ये जगह को यूज नहीं कर रहा था हमने इसलिए बना ली, दिस इज लिटरली वजह से यूज में नहीं थी इसलिए बना ली। तो उसके बाद फिर जब उन्होंने मर्दमशुमारी की तो पता चला कि 60 लाख यहूदी हो चुके हैं, 35 लाख तो खाली इसको कहते हैं ऑक्यूपाइड टेरिटरी के अंदर आ गए। फिर लड़ाइयाँ चली यूएन के अंदर, फिर उन्होंने कहा कि यार ऐसा करो आप इतने बंदे आ चुके हैं तो लैंड स्वाप कर लो, लैंड स्वाप करने फिर कैंप डेविड पहुंचे, फिर निक्सन ने पहले कराया, बाद में फिर जिमी कार्टर ने कराया, सब फेल हो गए, फिर एंड में फिर क्लिंटन ने एक थोड़ा सा मुआहदा कराया कि लैंड स्वाप करेंगे और जो भी पुरानी टैबा एक्ॉर्ड्स कहते हैं 1967 में जो वॉर हुई है वो जगह तुम वापस कर दो और ये वाली जगहों के ऊपर हम जो है ना जो हमने तुम्हारी जगह मार ली हुई है इसकी जगह हम तुम्हें और जगह दे देते हैं, लैंड स्वाप इसे कहते हैं। फलस्तीनियों ने कहा नहीं जी पीपल स्वाप करें, लैंड स्वाप क्या कर रहे हैं, जो बंदे आपने घुसा लिए और हमारे बंदे निकाल दिए रेफ्यूजी कैंप्स में इजिप्ट में बैठे हुए हैं मोरक्को में बैठे हुए हैं, इनको वापस बुलाएं और पीपल स्वाप करें, और इसकी बेस के ऊपर इनका डेडलॉक पड़ा हुआ है और जो पिछले 50 साल से हम देख रहे हैं कि क्या लड़ाइयां चल रही 67 के बाद से। ये जो मैं आपको बस एक लाइन में बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि बेसिकली ज़ायनिज्म इज जस्ट लाइक ए दो कौमी नजरिया मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, लिटरली इसको इसी तरह समझें आप ताकि आपकी साइकोलॉजी क्रिएट हो कि इन्होंने मूवमेंट शुरू की। आप दो कौमी नजरिया मोहम्मद अली जिन्ना का था वो ऑपोजिट साइकिल का था कि हम अपने इलाकों के अंदर ही प्लीज हमें हमारा मुल्क बना दें। अगर हम कहते ना कि हमें दिल्ली में और बॉम्बे में और कर्नाटका में और यू नो कलकत्ता में जगह दे दें क्योंकि ये जगह हमारे कुरान में लिखी हुई है तो कॉमन सेंस की बात है दुनिया पूरी ने हमें आके पकड़ लेना था कि भाई तुम्हारे कुरान में लिखा हो सके मतलब दुनिया के हम पूरी दुनिया को निकाल देंगे तुम्हारे पीछे, मगर इन्होंने यही किया, लिटरली यही किया और मैथ मूवमेंट हुई और जबरदस्ती घरों से निकाला गया, यहाँ तक कि टॉर्चर सेल खोल दिए गए थे लिटरली। और फिर फलस्तीन जब भागे उस रेफ्यूजी क्राइसिस के लिए पिछले 30 साल से लड़ाई चल रही है इनकी 67 के बाद से। अब ज़ायनिज्म इज टेक्निकली दो कौमी नजरिया के जूस एक कौम है और बाकी की दुनिया एक कौम है। आपने नोट किया होगा कि कभी जूस एंड मुस्लिम्स नहीं बोलते वो लोग, वो हमेशा जूस एंड अरब्स बोलते हैं, जूस एंड अरब्स, दे नेवर से जूस एंड मुस्लिम्स। व्हाई डू दे से जूस एंड अरब्स? बिकॉज दे टेक्निकली डोंट रिकॉग्नाइज एनीथिंग अदर देन जूस, कि बस जूस उसके अलावा जो कुछ भी लोकल है वो सबके सब अरब्स, वरना कोई मुसलमान कहता है कि मुसलमान और फलस्तीनी, मुसलमान और टर्किश, हम हमेशा बोलते हैं मुसलमान या हिंदू, मुसलमान या यू नो क्रिश्चियन, ये बोलते हैं ज्यूज एंड अरब्स। सो दिस इज मतलब पैसे इतने फाइनेंस हुए थे कि मोरक्कन ज्यूज को हबशियों को भी बुलाया गया था कि हम तुम्हें यहाँ पे सेटलमेंट कर रहे हैं आके फाइनेंस करो तुम लोग, और ये जॉर्डन में और इराक में इराकी ज्यूस एज द लोएस्ट कास्ट ज्यूस ना, इनको क्योंकि अरेबियन ज्यूस थे तो इनको बुलाया गया कि तुम आओ, और अब अभी तक इराकी ज्यूस लड़ाई कर रहे हैं कि हमें डाउन कास्ट करते हो, और वो जो अफ्रीकन ज्यूस थे उनकी तो कोई लिफ्ट नहीं है बेचारे, वैसे ही काले हैं, तो वो कहते हैं तुम कैसे ज्यूस हो सकते हैं क्योंकि वो कॉन्वर्ट्स हैं, क्योंकि यहूदी तो माँ की तरफ से आता है, वो तो ले लीजिए बनी इसराइल की, तो हबशी तो बनी इसराइल में नहीं आ सकता ना। सो दे आर 5 डिफरेंट कैटेगरी जिस तरह पाकिस्तान में भी है ना फिरके बने हुए, इस तरह उधर भी फिरके बने हुए। तो जो उनके उलमा कराम हैं जो अशकनाज़ी ज्यूज़ हैं जो कि IDF में भी नहीं जाते, जो आर्मी में भी नहीं जाते, वो बेसिकली दे सेट द टोन के कहाँ पे कौन कौन सा, और उन्हीं को खुश करने के लिए अवाम चूंकि उनसे सुनती है, और तो गवर्नमेंट इस वक्त तो हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा लेफ्टिस्ट और लिबरल है इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू, मगर ये उनसे उनका बाइन लेना जरूरी है। जिस तरह पाकिस्तान में नहीं होता इमरान खान या नवाज शरीफ, उलमा की काउंसिल से कॉन्फिडेंस में लेना है, मुशर्रफ ने भी करना वही है कि जो उसके अपने दीन में, मगर बस सियासी तौर पे उसके इकट्ठा कर लिया। तो बेंजामिन नेतन्याहू को इसलिए अशकनाज़ी ज्यूज गालियां देते हैं कि ये बंदा जो है ना ये तौरात के खिलाफ काफी सारे काम कर जाता है,
इवन दो वोट लेने के लिए वो यू नो ज्यू सेंटिमेंट को तो खेलेगा वो, और वो ज्यूइश हरकतें तो करेगा. सो इतना तो वो ज्यू है. सो it's a proper political movement, is Zionism. This is not a religious movement, it's a political movement. Mm-hmm. Just like Dokomi Nazariya was a religious movement, yes, but had a political spin, they have a political movement which has a religious spin. Ye bas dhyan mein rakhiyega. Israel was a Zionism. Israel, the state of Israel, which they call, is a political state with a religious agenda. Pakistan is a religious state with a political agenda. ये शुरू में ऐसे बने थे, दोनों एक ही साल में बने ना, एक ही साइकिल चल रहा था दोनों तरफ. सो ये बात सबको पता होनी चाहिए. अब पाकिस्तान में भी उलमा कराम ऐसे आपको मिलेंगे जो उस वक्त थे, इवन मौदूदी साहब भी थे जो कि यूनियनिस्ट पार्टी में थे, कि पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं इस्लाम में, ये मुल्क शुल्क बनाना नहीं है. बिल्कुल इस तरीके से वहां क्लासिकल जो है ना स्कॉलर्स भी ये कहते हैं कि ये मुल्क शुल्क बनाने की कोई जरूरत नहीं हमें, हमारा दीन जो है वो दुनिया के लिए आया, पूरी दुनिया हमारी मस्जिद है, जहाँ पे भी पेट्रियटिज्म और नेशनलिज्म नहीं है इस्लाम में, तो उनके साथ भी ऐसे ही. सो दिस इज द आंसर टू योर जनरल क्वेश्चन, जिस आपको पता होना चाहिए.